हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज का सीन ये है, चंडीगढ़ में हो रही है बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा। कल सुबह से बारिश हो रही है 3 बजे से, और अभी तक रुकी नहीं है। हल्की फुल्की रुक रही है, नहीं तो बराबर बारिश हो रही है एक साथ में। ये लो, लाइट भी चली गई गाइस, लाइट भी चली गई है अभी तो। और देखो मौसम, देखो ये अभी सीन ये है कि ऑफिस जाना है, तो 11 बज गए हैं और लेट तो हो गया थोड़ा बारिश की वजह से, बहुत ज़्यादा ही लेट हूँ अभी। समथिंग आधा घंटा लग जाएगा मेरे को जाते जाते। और प्लान बनाया मैंने नहाने का भी साथ में बारिश में, क्योंकि अभी मैं जाके अगर रेनसूट पहन के चला भी जाऊँ ना, तो फिर अंदर जाके फिर बैठना ही है ऑफिस में, नहा नहीं पाऊँगा। पूरा दिन वैसे ही बंद रहना होता है ऑफिस में। अभी का मेरा प्लान ये है कि ऐसे कपड़ों में जाता हूँ नॉर्मली, जो कि ख़राब है, ये कलर उतर गया थोड़ा सा, मैंने ऊपर वो दिखा दिया था थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट। तो अभी यहाँ से निकलता हूँ मैं ऐसे और नहाता हुआ जाता हूँ, मैंने बैग में रख लिए हैं कपड़े सारे, और रोड पर नहाता हुआ जाऊँगा फुल मौज करते हुए एकदम। बाइक से ही जाऊँगा, कैब से भी नहीं जाऊँगा मैं, बाइक से जाऊँगा, क्योंकि मेरे को नहाना है बारिश में। बारिश में मैं शायद ही कभी नहाया होगा अरसे में, 2-3 साल हो गए, 2-3 साल पहले कभी नहाया था, जब से ऑफिस ऑफिस हुआ है तब से तो नहीं। तो अभी यहाँ से निकलते हैं और बारिश में मज़ा आएगा। बाकी मेरा जो रेनसूट था ना, मैंने खुद नहीं पहना है, बैग को पहनाया, कपड़े बैग में रख दिए। ये देखो गाइस, ये है अपना रेनसूट, जो कि थोड़ा हल्का वाला है, मैंने इसको इधर पहना दिया। अब रेडी है, मैं बिल्कुल नीचे से ऊपर तक हर तरफ से पैक कर दिया, इसमें रख दिए कपड़े। मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ अब मज़ा तो आ रहा है, थोड़ी सर्दी भी लग रही है यार भाई गॉड, मज़ा भी आ रहा है ना कि नहाऊँगा आज, कई साल बाद नहाऊँगा मैं बारिश में, और ठंड भी लग रही है, और बाइक चलाऊँगा ऊपर से, पर देखता हूँ क्या होगा मेरा। पूरा इंजॉय करूँगा, पूरा जितना कर मिलेगा उतना करूँगा, क्योंकि 2-3 साल बाद जा रहा हूँ। और मौसम देख रहे हो गाइस, मौसम दिखाऊं, ये कैमरे में सिर्फ वाइट दिख रहा है, नहीं तो ये पूरा ऊपर का ना जितना भी है सारा ब्लैक ब्लैक सा है इधर पूरा। कभी इधर से बारिश हो रही है, कभी इधर से बारिश हो रही है, तो दोनों तरफ का मज़ा आएगा एकदम। अपनी कैटरीना नहा चुकी है पूरी एकदम, एक नंबर की एकदम लाइट मार दी है, और फिर बारिश तेज़ हो गई। अब मैं निकलता हूँ और मिलूँगा बाइक पर, कहीं अगर रुका तो बारिश में रोड रूट पे रुकूंगा जाके, बारिश तेज़ हो रही है। अब जा रहा हूँ बाइक पे मिलूंगा, चलो। अपनी कैटरीना एकदम नहा धो के रेडी हो गई, देखना भाई मेरे, वाह देख रहे हो, रात भर नहाई है ये, इसको कोल्ड स्टार्ट करना पड़ेगा मेरे को बहुत देर तक। और एक दूसरी ये खड़ी है, ये 250 और ये 200, दोनों अपनी है, इसको ले जाऊं चाहे इसको ले जाऊं। गाइस नहाने के चक्कर में इतना एक्साइटेड हूँ, यहाँ अंदाजा नहीं लगा सकते, मैं हेलमेट घर में भूल गया अब हेलमेट लेने जा रहा हूँ, आई गो पैर भी ना फिसल जाए। ये आ गया अपना हेलमेट, और इतना देखो चाबी भी गिरा दी मैंने, यार क्या करूँगा मैं जिंदगी में, क्या होगा मेरा यार, इतना एक्साइटमेंट। अब इसको लेके निकलता हूँ, बारिश हो रही है बहुत बढ़िया। गाइस चेक करो, ये रोड है, कौन नहीं मानेगा, ये रोड है, ये कटरियाँ खड़ी है, ये रोड है, ये डूब गई है पूरी, तो जल्दी जाने के यार, भैया कहाँ जाएंगे, बाढ़ आ रही है बाढ़, मैं तो अभी नहीं जाने वाला ऑफिस, सॉरी कैंसिल, मैं नहीं जा रहा हूँ भाई। ये नाला है छोटा सा नाला है, इसमें इतनी तेज पानी नहीं है, मैं जाऊँ इसमें, कैंसिल ऑफिस है ना, कैंसिल आज छुट्टी। गाइस अभी का सीन ये है, 200 cc लेके जा रहा था मैं ऑफिस में, तो ऑफिस तो जा नहीं पाऊँगा, और अब जाऊँगा 250 cc लेके, क्योंकि बीच में बाढ़ दिखाई थी ना मैंने आपको, बाढ़ आ गई थी। अब ये लेके जा रहा हूँ, रेहान भाई गए हैं छोले भटूरे खाने के, पानी बहुत ज़्यादा है नीचे, बहुत ही ज़्यादा है, तो इसका साइलेंसर ना थोड़ा सा ऊपर है, इसका तो नीचे से है बट इसका ऊपर है,
तो मैं अब इसको लेके जाता हूँ और फिर लेके आता हूँ रिहान भाई को, और अब हेलमेट भी नहीं लेके जाऊँगा, और बारिश भी हो रही है तो मतलब इन्जॉय कर दूंगा मैं बारिश का। चलो मिलता हूँ रिहान भाई को लेके आता हूँ। आया तो रिहान भाई को लेने और खाने लगा छोले भटूरे, छोले भटूरे खा रहे थे रिहान भाई यहाँ पे आके वॉकिंग में। पानी इतना ज़्यादा था कि अब जा नहीं पाएंगे ना, ये फंस गए यहाँ पे। तो मैं बाइक लेके आया था यहाँ पे, मैंने भी छोले भटूरे के प्लेट लगवा दिया, मैं छोले भटूरे खा के फिर जाऊँगा। गाइस ऐसे मोड़ पे हूँ मैं जिस मोड़ पे डालो पानी है। और गाइस मैं अभी बाइक लेके तो रेहान भैया चले गए, क्योंकि दो लोग ले जा नहीं सकते। मैं छोले भटूरे खा के और समोसे पैक करा लिए, अब दूध लेके और जाना है। आराम से चाय बनाऊंगा और समोसों का लुत्फ उठाऊंगा, मेरे बस का नहीं है। मैं आज जॉब पे नहीं आऊंगा क्योंकि ये है प्रॉब्लम, देख लो गाइस ये है, इतना पानी है मैं नहीं आ सकता ना, क्योंकि कैब भी आने से मना कर रही है और मेरी बाइक भी आने से मना कर रही है, क्योंकि उसमें नीचे साइलेंसर है, पानी अगर गाड़ी बंद हो रही है पानी की वजह से, पानी जा रहा है साइलेंसर में तो वो भी ख़राब हो जाएगी। और आप ही चलने लगे बहुत ज़्यादा पानी है। देख रहे ये है, ये सीन है, और हर तरफ ऐसा नहीं है इतने में, और यहाँ पे गड्ढे भी हैं, तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा संभाल के जाना पड़ेगा। आ जा आ जा आ जा, गांव में बाढ़ आने के कारण लोगों ने लिया ट्रैक्टर का सहारा, मेरा ट्रैक्टर और ये देखो गाइस ये देख लो बंद हो जाएगी, आगे बहुत है, आगे बहुत है। ये बच्चे को निला रहे गाड़ी में दबाए। तो गाइस अभी बारिश से भीगता हुआ आया था मैं, और घर पे नहाने धोने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गया और फिर थोड़ी रील्स वगैरह देखने लग गया था, और उसके बाद आ गई नींद मेरे को बहुत ख़तरनाक वाली। 2 घंटे बाद उठाऊँ अभी सो के, लाइट चली गई थी तो आँख खुल गई एकदम, और बाहर का मौसम देख रहे हो। अभी मैं दिखाता हूँ आपको एकदम साफ, जैसे बारिश हुई नहीं है, हल्की फुल्की सी कहीं बारिश हुई थी, बट 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। अभी 3:30 बजे बारिश रुकी थी और अभी मौसम बिल्कुल साफ हो गया है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको इस नज़ारा, ये हो गया मौसम। इधर तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, पर एक बार राउंड मार के देखूंगा। दुनिया रुक गई है हाईवे पे, मौसम भी बहुत अच्छा है मौसम, और ये गाड़ी है फंसी हुई, खतरनाक सीन है भाई बाहर का। अभी तो ये मैं निकला हूँ थोड़ा बंदे रुके हैं, और उधर भी पूरी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। गाइस इमेजिन करो इतना खूबसूरत नज़ारा और अपना इंडिया का फ्लैग और नीचे पानी, ये पूरा पानी, ये प्लॉट है शायद, ये प्लॉट है और ये रोड है, पूरा चल रहा है और खूबसूरत नज़ारे के साथ में यहाँ पे जनता रुकी भी है बहुत सारी, पीछे भी बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं। और मैं आया था सिर्फ सर्वे करने के लिए, तो सर्वे आज तक, आज का सर्वे सक्सेस हो गया है थोड़ा सा, और नज़ारा देख रहे हो गाइस पूरा, ये चीज़ मेरे को बहुत खूबसूरत लगी है। वहाँ जाके मैं शिमला सोलन या फिर कसौली कहीं भी जाता हूँ, ये इतनी खूबसूरत नहीं लगती है जितनी ये लगती है, क्योंकि यहाँ पे अपना इंडियन फ्लैग है, और वो जो खूबसूरत सा लुक दे रहा है ना यहाँ पे, क्या ही खूबसूरत लग रहा है ये वाला चीज़। तो गाइस अभी नीचे जाके देखते हैं खाने में क्या बनेगा, तो सब्जी वब्जी लेके आता हूँ मैं और फिर बनाते हैं। ओके फिर मिलते हैं, बाय बाय।